मेरी यह कविता आपको ये सुनाती नहीं फिरेगी कि ये करो वो करो, ये सोचो वो सोचो, बल्कि आपको एक चरित्र को लेकर आपसे कुछ प्रश्न करेगी, क्योंकि जिस चरित्र पर यह कविता है उन्हें उनके संघर्षों उनके त्यागों से ही पूजा जाता है, और वो चरित्र है भगवान श्री राम का। सभी इनके संघर्षों से परिचित हैं, लेकिन क्या कभी इन्हें लेकर, इन संघर्षों को लेकर आपने भीतर कुछ प्रश्न आए हैं या नहीं? ये कविता प्रश्नों को अपने में समेटती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न की गहरी तक ना उतर पाए तो आप प्रश्न से पर्याप्त ऊर्जा नहीं ले सकेंगे। कि जो हमारी लाइन थी ये हमारे संदीप द्विवेदी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और उसके आगे जो कविता है वो हम इसका वर्णन कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सहली कितनी यातना, पर कर्तव्य सर्वोपर रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था, निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था, वचन भी था मानना आदेश भी था थामना, इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़िया क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा क्षण में एक सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। फिलहाल के लिए इस सीरीज में यहीं तक, और आगे मिलेंगे केवट के राजा ने क्या किया था उसके बारे में। तब तक ये बने रहिए।